दोस्तों, विज्ञान का कोई भी नियम कभी भी फेल हो सकता है, लेकिन समय का नियम कभी नहीं। समय ये बदलता आया है और बदलता रहेगा। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मांड की रचना की, तब उन्होंने कालखंड को चार युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में विभाजित किया। अभी जिस युग में हम रह रहे हैं, ये कलयुग है। दोस्तों, आइए जानते हैं इन चारों युगों के बारे में कि कैसे युग परिवर्तन होता है और हर युग के अनुसार इंसान व उसके रहन सहन में क्या बदलाव आ जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार धरती पर इस समय के पहिए की शुरुआत सतयुग और अंत कलयुग से होता है। सबसे पहले जानते हैं सतयुग के बारे में। सतयुग एक ऐसा युग जहां धर्म अपने चार पैरों पर खड़ा होता है, हर इंसान सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन होता है। यहाँ सभी लोग ईमानदारी से जीवन जीते हैं। सभी लोग, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी अपने जीवन का एक ही लक्ष्य मानते हैं, और वो है धर्म की राह पर चलना। इस युग में बीमारियां नाम मात्र की होती है और सभी मनुष्य हष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं। इस युग में दुख भी नाम मात्र होता है, क्योंकि जीवन में सिर्फ मानसिक सुख पर ही ध्यान दिया जाता है, कलयुग की तरह धन दौलत और जमीन जायदाद पर नहीं। इस युग में सभी लोग वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जिससे कि लोगों का जीवन सुखी और लंबा होता है। सतयुग की कुल उम्र 17,28,000 वर्ष है। इस युग में जाति पाति जैसा कुछ नहीं होता, सभी मनुष्यों को एक जैसा समझा जाता है। इस युग में भक्ति करने वाले को भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। इस युग में भगवान के मत्स्य, कुर्मु, वरा और नृसिंह जैसे चार अवतार हुए थे। इसमें मनुष्य की आयु करीब 1,00,000 वर्ष के आसपास बताई गई है और उसकी कुल लंबाई 32 फीट तक होती थी। ब्रह्मा का एक दिन 10,000 भागों में बंटा होता है, जिसे चरण कहते हैं। चारों युग चार चरण से मिलकर सतयुग बना, जिसकी उम्र 17,28,000 सौर वर्ष है। तीन चरणों से मिलकर त्रेता युग बना, जिसकी उम्र 12,96,000 सौर वर्ष है। दो चरणों से मिलकर द्वापर युग बना, जिसकी उम्र 8,64,000 सौर वर्ष है। और एक चरण से मिलकर कलयुग बना, जिसकी उम्र 4,32,000 सौर वर्ष है। अब बात करते हैं त्रेता युग की। इस युग में धर्म अपने तीन पैरों पर खड़ा होता है। त्रेता युग में लोग अपने कर्तव्य का पालन तो करते हैं, लेकिन सतयुग के लोगों के मुकाबले स्वार्थ भाव ज़्यादा होता है। इस युग में विष्णु के पांचवें, छठे तथा सातवें अवतार प्रकट हुए थे। यह अवतार वामन, परशुराम और श्री राम थे। इस युग में समाज चार वर्णों में बंट जाता है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। इस युग में लोग भगवान की भक्ति और तपस्या तो करते हैं, लेकिन सिर्फ वरदान या फल पाने के लिए। ये युग 12,96,000 वर्ष का होता है। इसमें मनुष्यों की उम्र 10,000 वर्ष बताई गई है और इसमें मनुष्यों की औसत लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। पुराणों के अनुसार जब भगवान राम ने धरती छोड़ी थी, उसके कुछ समय पश्चात ही त्रेता युग समाप्त हो गया था। इसके बाद आने वाला युग है द्वापर युग, जिसमें धर्म अपने दो पैरों पर खड़ा होता है। द्वापर युग चार युगों में से तीसरा युग है। इसका आरंभ भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी बृहस्पतिवार से होता है और इसकी अवधि पुराणों में 8,64,000 वर्ष मानी गई है। यह युद्ध प्रधान युग है। मत्स्य पुराण अनुसार द्वापर युग लगते ही धर्म का क्षय होना आरंभ हो जाता है। इस युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और जब भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ी थी, तब द्वापर युग भी समाप्त हो गया था। इसी युग में महाभारत जैसा युद्ध घटित हुआ था। द्वापर युग में मनुष्यों की आयु 2,000 वर्ष की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कलयुग की। चारों युगों में आखिरी युग
कलयुग, जहां धर्म अपने एक पैर पर खड़ा होता है। दोस्तों, जब जब धरती पर पाप और धर्म का विनाश हुआ है, तब तब भगवान ने ईश्वरीय अवतार लेकर पापियों का संहार किया है। कलयुग एक ऐसा युग जहां धर्म और सत्य शून्य मात्र है और हर जगह पाप का बोलबाला है। चार युगों में भगवान के कई अवतार हुए हैं जिन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना की है। अब कलयुग के अंत में आएंगे कल की अवतार, जो कि भगवान विष्णु के आखिरी अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, कल की अवतार का वर्णन हिंदू पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। कल की अवतार का जन्म श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग, जिसकी आयु 432,000 साल है, जिसमें से लगभग 5,000 साल बीत चुके हैं। जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, तब भगवान कल की धरती पर अवतार लेंगे, जिनका जन्म संभल गांव में श्री विष्णु यश के घर होगा, जो कि एक नेक ब्राह्मण होंगे। उनके चार भाई भी होंगे। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों व काल पुरुष का अंत करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत में जब इंसान मांस खाने लगेंगे और नरभक्षी बन जाएंगे, उस समय उन्हीं लोगों का बोलबाला होगा जिनके पास असीम धन और पावर होगी। औरतें चरित्रहीन हो जाएगी, भाई भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे, अकाल पड़ने लग जाएगा, घनघोर बारिश होगी और मनुष्यों की औसत ऊंचाई 4 फुट ही रह जाएगी। गो माता दूध देना बंद कर देगी और उनका आकार बकरियों के जितना हो जाएगा। सूक्ष्म वेद और कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्यों की उम्र सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगी। मौसम में तीव्र बदलाव होगा, या तो बहुत ज़्यादा बारिश आएगी या फिर बारिश आएगी ही नहीं, तूफान, भूकंप और सुनामी जैसी तबाही आएगी। और ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी, अश्वत्थामा और 7 चिरंजीवी भी कल्कि अवतार के साथ आएंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। प्रभु की माया से चारों ओर धरती पर धर्म और सत्य का फिर से बोलबाला होगा। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के प्रकोप से वही लोग बच पाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में नाम मात्र पाप किए हैं। दुष्ट और पापी इंसानों का संहार होगा। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि 1,000 साल तक इस धरती पर राज भी करेंगे। जैसे सतयुग प्रारंभ होगा, तभी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर से धरती रहने लायक और सुंदर बन जाएगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।